दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों के साथ रह रहा है। बेचारे इन मासूम कुत्तों का इंसानों बिना गुजारा नहीं हो सकता। हम भी अपने घर में बने फालतू खाने को इन कुत्तों के आगे डाल देते हैं और इस खाने को कुत्ते बड़े ही सम्मान से स्वीकार करते हैं। बदले में ये हमारे घरों और गली आदि की रखवाली भी कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारे पालतू कुत्ते जंगली जानवरों के द्वारा हादसे का शिकार बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ऐसी ही घटनाओं को देखते हैं जब हमारे आसपास रहते कुत्ते जंगली जानवरों का शिकार बन गए हों। साथ ही यदि आपके पास पालतू कुत्ता है तो मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी तकनीक भी बताऊंगा जिससे आपका पालतू कुत्ता आसानी से किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ये वीडियो देखें। हालांकि कुत्ता भी एक शिकारी जानवर है, परंतु एक 300 किलोग्राम भारी बाघ से इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुत्ता सोए हुए बाघ के ठीक सामने से जा रहा था, लेकिन कुत्ते की आहट ने बाघ की नींद खराब कर दी, जिसकी सजा बेचारे कुत्ते को भुगतनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि बाघ इस बेचारे कुत्ते को किसी खिलौने की भांति उठा ले जाता है। बेचारा कुत्ता। वैसे बाघ अक्सर कुत्तों का शिकार करते हैं। इस वीडियो में एक बाघ को देखकर कुत्ता गाड़ियों के पीछे छुपने लगा। कुत्ते को लगा कि इस तरह से छुपने से शायद बाघ उसे छोड़ देगा, परंतु कुत्ते का यह अंदाजा गलत था। बाघ ने तुरंत झपटकर कुत्ते को मार डाला। तेंदुए कुत्तों के सबसे बड़े शिकारी हैं। ये हमेशा ही कुत्तों को मार डालने की ताक में रहते हैं। खासतौर पर गांव के पास के जंगलों में रहने वाले तेंदुए तो कुत्ते खाकर ही जिंदा है। यहां एक इंसान के पास सोए हुए कुत्ते को तेंदुआ लपक लेता है। हालांकि शोर शराबे के कारण सोए हुए व्यक्ति की आंखें भी खुल जाती हैं, परंतु ये व्यक्ति कुत्ते की जान बचाने में असमर्थ है। भले ही ये बाघ पालतू हो, परंतु इसका एक पंजा ही जर्मन शेफर्ड कुत्ते की जान ले सकता था। कुत्ते का नसीब अच्छा रहा जो बाघ के लपेटे में नहीं आया। इस वीडियो में एक और सोया हुआ कुत्ता तेंदुए के हाथों काल का ग्रास बन जाता है। वहीं यहाँ ये बेचारे दो कुत्ते एक ऐसे तालाब के पास में हैं जिस तालाब में मगरमच्छ बैठा है। वैसे कुत्ते समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है और वापस से ऊपर आने की कोशिशें भी करते हैं, परंतु एक कुत्ते का पैर फिसलता है और वो सीधा मगरमच्छ के जबड़े में लैंड हो जाता है। तेंदुआ धीरे धीरे घर में घुसता है और घर में आराम कर रहे कुत्ते को उठा ले जाता है। ये दिल दहला देने वाला वीडियो भारत के हिमाचल राज्य के शिमला शहर का है। यहाँ एक पालतू लेबराडोर नस्ल का कुत्ता घर के बाहर सोया हुआ था। इस कुत्ते का नाम जैकी है। तेंदुआ धीरे धीरे जैकी की ओर बढ़कर जैकी के ठीक पास पहुँच जाता है और झपटने का मौका तलाशने लगता है। थोड़ी ही देर बाद तेंदुआ अपने मजबूत जबड़े में बेचारे जैकी की गर्दन को दबोच लेता है, तो जैकी खुद को बचाने के लिए चीख पुकार शुरू कर देता है। हालांकि इस कुत्ते का तेंदुए से छूट पाना मुश्किल लग रहा है और अगले कुछ ही पलों तेंदुआ खींचते हुए जैकी को सीढ़ियों से नीचे उतार ले जाता है। परंतु अच्छा यह रहा कि जैकी की चीख पुकार उसके घर वालों ने सुन ली। एक बहादुर व्यक्ति बिना अपनी परवाह किए तेजी से तेंदुए की ओर दौड़ता है और बड़ी अच्छी बात रही कि इंसान के उस ओर आने से तेंदुआ जैकी को छोड़कर भाग गया। हालांकि जैकी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था, परंतु इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। इस वीडियो में तेंदुआ एक कुत्ते को पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। हालांकि उस ओर से वन्यकर्मी गुजर रहे थे और ये कुत्ता अक्सर इन वन्यकर्मियों के साथ ही रहता था, इसलिए वन्यकर्मी शोर शराबा मचा देते हैं, जिस वजह से तेंदुआ कुत्ते को छोड़ देता है और कुत्ता मौके से भाग निकलता है। ये काला कुत्ता तो साक्षात एक दैत्य छिपकली यानी कोमोडो ड्रैगन की पकड़ में आ गया। अब इसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। और ये काला कुत्ता पता नहीं क्या ढूंढने पानी में घुस गया था। इसे भनक नहीं थी कि पानी में मगरमच्छ मौजूद है, लेकिन मगरमच्छ को कुत्ते की भनक जरूर लग गई थी। अगले कुछ ही पलों में कुत्ते के जीवन का अंत हो गया। जंगल में घूम रहे इस कुत्ते की गर्दन तेंदुए ने जकड़ ली। हालांकि कुत्ता खुद को बचाने की कोशिशें कर रहा है, पर जल्द ही तेंदुए की जोरदार पकड़ के कारण इस कुत्ते का दम घुट जाएगा और ये मारा जाएगा।
घर की रखवाली कर रहे इस कुत्ते को किसी प्रकार के कोई खतरे की भनक लगती है। कुत्ता गेट के नीचे मौजूद रेलिंग से बाहर झांक कर देखता है तो उसे एक तेंदुआ दिखाई पड़ता है। कुत्ता बुद्धिमान था इसलिए तुरंत अंदर की ओर भागकर छुप जाता है, परंतु तेंदुआ गेट फांदकर भीतर आता है और कुत्ते को ढूंढना शुरू कर देता है। अफसोस, तेंदुए की तेज नाक ने छुपे हुए कुत्ते की गंध ले ली और जल्द ही तेंदुआ कुत्ते को गर्दन से पकड़कर वापस रेलिंग को फांदते हुए घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है। तेंदुए को सामने से आता देख कुत्ता हर संभव खुद को बचाने की कोशिश करता है। कुत्ता तेजी से दीवार के इधर उधर भागता है, लेकिन आखिरकार तेंदुआ कुत्ते को पकड़ने में सफल हो ही जाता है। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहाँ दो कुत्ते थे, एक बड़ा और एक छोटा। तेंदुए ने छोटे वाले कुत्ते को अपना निशाना बनाया, परंतु बड़े वाले कुत्ते ने अपने दोस्त की मदद की, जिस वजह से तेंदुआ घबरा गया और मौके से भाग निकला। भई ये बड़ा वाला कुत्ता तो वाकई बहादुर था, अपने दोस्त को बचाने के लिए इसने अपनी जान जाने की चिंता नहीं की। यदि आपको भी इस कुत्ते की बहादुरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। घर में घुस आए इस तेंदुए के बारे में सो रहे कुत्ते को कोई भनक नहीं है। हालांकि कुत्ते जरा सी आहट होने पर ही उठ जाते हैं, परंतु तेंदुए जैसे चतुर शिकारी चलते समय किसी प्रकार की आहट नहीं करते। तेंदुआ कुत्ते के निकट जाकर कुत्ते को दबोच लेता है, परंतु स्लेब से नीचे गिरते कुत्ते को तेंदुआ संभाल नहीं पाता और तेंदुए की पकड़ से कुत्ता आज़ाद हो जाता है। तेंदुए को कूदता देख बेचारा कुत्ता अंधेरे में छुप जाता है, परंतु तेंदुआ घुप अंधेरे में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता है। तेंदुए की पकड़ में कुत्ता आ जाता है और जीवन का एक संघर्ष शुरू हो जाता है। कुत्ता चीख पुकार करता है और शायद कुत्ते किसी चीख पुकार को सुनकर घर के सदस्य उठ जाते हैं, जिनकी आहट पाते ही तेंदुआ भाग निकलता है। यहाँ एक मगरमच्छ खाने की तलाश में निकलता है। ठीक उसी समय इस कुत्ते को अपना शरीर ठंडा करने के लिए पानी में उतरने की सूझी और ये बेचारा मगरमच्छ की खुराक बन गया। अब यहाँ एक अन्य कुत्ता तेंदुए का शिकार बनने जा रहा है। तेंदुआ बिना कोई आवाज़ किए कुत्ते के निकट जाता है। कुछ समय बाद तेंदुआ कुत्ते को लपक लेता है, पर कुत्ते के चिल्लाने से तेंदुआ घबराकर पीछे हट जाता है। हालांकि उसके बाद तेंदुआ फिर से कुत्ते का पीछा करता है और ये दोनों ही जानवर कैमरे की पकड़ से बाहर हो जाते हैं। इस घटना में आगे क्या हुआ इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ एक लंगड़ा तेंदुआ एक पालतू कुत्ते के शिकार के मकसद से आगे बढ़ रहा है। क्या यह लंगड़ा कामयाब हो पाएगा, चलिए देखते हैं। लंगड़ा तेंदुआ कुत्ते की गर्दन को दबोच लेता है। दुख की बात यह है कि बेचारे इस कुत्ते को रात्रि के समय भी चैन से बांधा गया है, इसलिए इसके पास भाग जाने का कोई मौका नहीं था। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने कुत्ते को रात्रि के समय भी खुला नहीं छोड़ सकते तो मेहरबानी करके कुत्ता ना पालें। क्यों किसी मासूम पर इस तरह से बांध कर अत्याचार करते हो? करीब 2 मिनटों तक जब तेंदुआ कुत्ते की गर्दन दबोचे रहा तो दम घुट जाने के कारण कुत्ते की मौत हो गई और तेंदुआ अपनी ताकत के दम पर कुत्ते को उसके पट्टे में से खींच ले जाता है। जैसा कि इस क्लिप के शुरू में ही हमने देखा था कि यह तेंदुआ लंगड़ा था। जब भी कोई शिकारी जानवर इस तरह से अपाहिज हो जाता है तो वो शिकारी अक्सर आसपास बने गांवों में घुसकर आसान शिकार ही ढूंढता है, क्योंकि उसे खुद को जिंदा भी रखना होता है। लेकिन मुझे इस कुत्ते की मौत से व्यक्तिगत तौर पर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस बेचारे को चैन से बांधा गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाबत आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये एक और कुत्ता तेंदुए का शिकार बन गया। एक से अधिक सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई इस घटना में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ ऊंची रेलिंग फांदकर घर के भीतर घुसता है और अगले ही पल घर के आंगन में खड़ी हुई गाड़ियों की ओर बढ़ता है, जहां मौजूद कुत्ता तेंदुए की भनक पाते ही गाड़ियों के पीछे छुप जाने की कोशिश करता है। परंतु कुत्ते की तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं और कुछ ही क्षण बाद तेंदुआ कुत्ते को दबोच कर फिर से रेलिंग फांदते हुए घर से बाहर निकल जाता है। तेंदुए ने गली के कुत्ते को ही गर्दन से दबोच तो लिया था, परंतु कुत्ते की किस्मत ने उसका साथ दिया। तेंदुआ तेजी से झाड़ियों में से निकलता हुआ कुत्ते की ओर झपटा, पर कुत्ते की किस्मत ने एक बार फिर से साथ दे दिया। गेट खुला हुआ था, परंतु ताकतवर तेंदुआ फिर भी कुत्ते को पकड़कर गेट से ऊपर कूद आया।
इस वीडियो में उल्टा हो रहा है। यहाँ कुत्तों ने ही मिलकर एक तेंदुए को घेर लिया है। हालांकि तेंदुए जैसी बिल्ली प्रजाति के जीव से भिड़ने का जोखिम इन कुत्तों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिल्लियों का निर्माण ही प्रकृति ने अन्य जीवों को मार डालने के लिए किया है। आप देख सकते हैं कि अब तक खुद का बचाव करते आए इस तेंदुए ने किस फुर्ती से झपटकर कुत्ते को काबू कर लिया। छोटे कुत्ते पर हमला करने आया ये जीव एक भेड़िया है। भेड़िये ने कुत्ते को जकड़ तो लिया था, परंतु शायद आसपास कोई इंसान आ गया होगा, इसलिए ये भेड़िया भाग निकला। यहां एक अन्य पालतू कुत्ता तेंदुए का भोजन बन गया। ये वीडियो चौंका देने वाली है। यहाँ एक साथ कई कुत्ते सोए हुए थे, परंतु तेंदुए ने बिना इसकी परवाह किए एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। तेंदुए का एक झपट्टा ही कुत्ते की जान लेने हेतु काफी था। शायद आज या तो यमराज जी छुट्टी पर थे या इस कुत्ते की किस्मत ही बहुत तेज थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सफेद कुत्ते एक दूसरे के साथ लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे, परंतु जो कुत्ता ऊपर झाड़ियों के पास छुपा हुआ था उसे नहीं पता था कि उसके ठीक पीछे एक तेंदुआ भी है। बेचारा कुत्ता तेंदुए के हमले में अपनी जान गंवा बैठा। यहाँ एक साथ दो पालतू कुत्ते सो रहे थे। तेंदुआ धीरे से कुत्तों के पास आया और उसने हमले की तैयारी की। हालांकि एक कुत्ता भाग निकला, परंतु दूसरे कुत्ते को तेंदुए ने दबोचने की कोशिश की, लेकिन शायद यह तेंदुआ भी कम अनुभवी था, इसलिए कुत्ता बचने में कामयाब हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो का समापन यहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि जंगली जानवरों से अपने कुत्ते की रक्षा करने की एक तकनीक मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो चलिए अंत में उसी तकनीक के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अधिकतर मौकों पर कुत्तों पर हमला करने वाला जीव तेंदुआ होता है। भारत में करीब 14,000 तेंदुए हैं और ये अधिकतर तेंदुए भारत के गाँव यहाँ तक के शहरों में भी घूमते रहते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में भी अक्सर तेंदुए दिख जाते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, तेंदुओं की मौजूदगी कहीं पर भी हो सकती है। और तेंदुआ एक चतुर शिकारी बिल्ली है। बिल्लियां जानती हैं कि शिकार को कैसे मारना है, इसलिए तेंदुआ हमेशा ही कुत्तों की गर्दन को निशाना बनाते हैं ताकि कुत्ते की सांस की नली को काटकर कुत्ते को मारा जा सके। यानी यदि आप अपने कुत्ते की गर्दन सुरक्षित कर दें तो कुत्ते की जान बच जाएगी। और इसके लिए आपको इस तरह के कांटेदार पट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। इन्हें स्पाइक्ड डॉग कॉलर कहा जाता है और ये आसानी से आपको सर्च करने पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। इस तरह के पट्टे बने कुत्ते पर यदि तेंदुआ हमला करने की कोशिश करेगा तो तेंदुए के मुंह में इस पट्टे में लगे कांटे घुस जाएंगे और तेंदुआ तुरंत घबराकर कुत्ते को छोड़कर भाग जाएगा। विभिन्न शोधों में यह देखा गया है कि आज तक स्पाइक्ड डॉग कॉलर पहने हुए कुत्तों की जाने तेंदुओं के हमले में नहीं गई है। तो यदि आप भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां तेंदुओं की मौजूदगी हो सकती है, तो इस तरह का पट्टा विशेषकर रात्रि के समय अपने कुत्ते के गले में जरूर डालें, क्योंकि तेंदुओं के घरों में हमले केवल रात को ही होते हैं। इन पट्टों पर सिर्फ बाहर की ओर ही कांटे होते हैं और ये पट्टा कुत्तों को चुभन या परेशानी नहीं देता। तो आप भी जरूर अपने कुत्ते को इस पट्टे की मदद से सुरक्षित रखें। वहीं यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जिनके पास पालतू कुत्ते हैं। और अंत में नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन भी याद से दबा दें। धन्यवाद।